पहली दूसरी ये फाउंडेशन स्टेज के हिस्से में ही आती है, जो नर्सरी केजी और सीनियर केजी पर मुबनी है। नर्सरी केजी और सीनियर केजी में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है, कहानियां सुनाना है, पेंटिंग कराना है, उनको आर्ट वर्क में दिलचस्पी दिलवाना है। तो जैसा कि हमारे पहले मुखर्रिर ने फरमाया, ये सही है कि उसमें उन्होंने जातक कथाएं, हितोपदेश की कहानियां और पंचतंत्र की कहानियां उसमें शामिल कर दी है। अब किसको क्या पता है कि कौन सा टीचर कौन सी कहानियां बच्चों को सिखा रहा है। बच्चों के जहन बहुत ही नर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कुरान सिखाते हैं और उसकी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, तो बचपन में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को याद रहती है जो ज़िंदगी भर वो नहीं भूलते। तो जब बच्चा 3 साल शुरू के कुछ नहीं सीखेगा, वो सिर्फ कहानियां सुनेगा, खेलेगा, तो ऐसे वक्त में उसे जो चीज़ें आप सिखाएंगे वो सब चीज़ें सीखेगा। अगले 2 साल पहली और दूसरी में, अब इसमें ख़ास बात यह है कि नर्सरी केजी, सीनियर केजी, पहली और दूसरी में कोई एग्ज़ाम नहीं लेना है, इम्तिहान बिल्कुल नहीं लेना है इसमें। पहली और दूसरी में उन्हें बुनियादी चीज़ें, बेसिक नॉलेज उनको सिखाया जाएगा, जिसमें रियाजी के चाहे आप चाहे तो कुछ उसूल सिखा दें, कुछ मादरी जबान के उसूल सिखा दें, या फिर आप उन बच्चों को दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके कुछ चीज़ें सिखा दें। उसके बाद में दूसरा स्टेज जो आता है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 साल का है, जिसमें तीसरी, चौथी और पांचवी के तुलबा को यहाँ पर से इम्तिहानात का भी शुरुआत हो जाती है। अब बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने के साथ में बुनियादी चीज़ें, सरगर्मी करना, साइंस और मैथमेटिक्स की बेसिक्स चीज़ें भी सिखाना, ये भी उसका हिस्सा है। आप मादरी जबान के साथ में यहाँ पर एक रीजनल लैंग्वेज, यानी जैसे कि हमारे पास उर्दू के साथ मराठी सिखाई जाती है, मराठी भी सिखाना है। यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ ऑप्शनल हो गई है, अगर आप चाहें तो सिखाए या ना सिखाए। आपके लिए यहाँ पर 2 तरीके हैं, अगर आप प्राइवेट तालीम हासिल करना चाहते हैं, बच्चों को प्राइवेट तालीम देना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी स्कूल के किसी भी स्कूल में डाल सकते हैं, वहाँ पर भी लेकिन यही तरीक़ेकार राइज रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसी चीज़ को यहाँ पर बयान करती है। तीसरी, चौथी और पांचवी के बाद में अगला स्टेज आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज ये 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये भी 3 साल स्टेज है। इसमें आप मैथ्स यानी रियाजी के उसूल, साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस, आर्ट्स एंड कल्चर, इसके बारे में आप तालीम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज को और ऐड किया जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था कि चूंकि हम उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, तो हमने दूसरे स्टेज में ही मराठी को साथ में ऐड कर लिया एज ए रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आप मराठी स्कूल में पढ़ते हैं या गुजराती में, तो आप उर्दू ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आप मराठी ले सकते हैं, नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया चीज़ शामिल की गई है, एक है कंप्यूटर कोडिंग और दूसरा है, कंप्यूटर कोडिंग के साथ साथ वोकेशनल और टेक्निकल स्किल पर भी जोर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा मौजूद है जिनको मालूम है कि हम पहले भी अमली काम के नाम से, वर्क एक्सपीरियंस के नाम से बहुत सारी चीज़ें जमाते पंजुम से लेकर हश्तुम तक के सिखाया करते थे। अब इसमें कंप्यूटर कोडिंग आपके हर स्कूल में आप सिखा सकेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसका मवाद भी मुहैया करवाया जाएगा, टीचर्स भी आपको, सबको ट्रेनिंग भी उसी लिहाज से दी जाएगी। अब कंप्यूटर कोडिंग जो है ये एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव में आगे के जो जदीद पेशे हैं, जदीद तालीम के जो नज़ायर हैं, जिन फिक्रों की तरफ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रुझान है, उसकी तरफ ले जाने का एक अमल है। अब वोकेशनल और टेक्निकल स्किल, ये एक बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है।
इससे पहले ये 8th स्टैंडर्ड से वोकेशनल स्कूल जो ऑप्शनल था, आप स्कूल की परमिशन ले सकते थे, वो हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कंपलसरी वोकेशनल स्किल है जिसमें बहुत सारे मजामीन हैं, हजारों की तादाद में ऐसी स्किल्स है, चाहे वो कढ़ाई हो, बुनाई हो, कुकिंग हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, किसी को अगर आपको फर्स्ट एड देना सिखाना है वो सिखा सकते हैं, मिठाई बनाना सिखा सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा और गहरा और मनफी पहलू ये भी है कि फर्ज कीजिए कि किसी उस्ताद को स्कूल में ये सब चीज़ें ना गुजर गुजरे, उसे लगे कि भाई मेरा जो काम है वो सिर्फ टीचिंग करना है, ये स्किल वगैरह सिखाना ये बच्चे के वालिदैन का काम है। अब किसी बच्चे के वालिद मोची है तो वो उस जिमरे में उस बच्चे का नाम मोची के खाने में डाल देगा, बेटा अपने घर पे सीख लेना, अपने पापा से सीख लेना। यानी ये एक तरीके से उसे उस पेशे की तरफ ढकेला जाने का तरीका है जिसमें वो बच्चा वो ट्रेडिशनल स्किल जो पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था में चला करता था उसमें वो उसकी तरफ ढकेला जाएगा और उसकी तरफ से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके जो जदीद पेशे और जदीद पेशावराना तालीम जो है इसके ऊपर हम और आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें जो अगला स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब ये इसे जोड़ दिया गया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसमें जोड़ दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सेलेक्टिव कर दी गई है, आप सिलेक्शन कीजिए। आपको रियाजी नहीं पढ़ना है, आप रियाजी मत पढ़िए। आपको साइंस नहीं पढ़ना है, आप साइंस मत पढ़िए। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आप इंग्लिश मत पढ़िए। आप जैसा 11th में आर्ट्स साइंस कॉमर्स में एडमिशन लेते थे तो वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स में एडमिशन लेने का जो सिस्टम है पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट अपने चॉइस के सब्जेक्ट सीखेगा। अगर उसे चाहिए कि वो वोकेशनल स्किल को कंटिन्यू करे, जैसा कि जर्मनी में होता है, अमेरिका में होता है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो बहुत सारे सिस्टम है उसमें से कुछ चीज़ें इसमें ली गई है। 8th स्टैंडर्ड के बाद में आप कोई भी दूसरे पेशावराना या फिर स्पोर्ट्स को भी आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं और आगे की तालीम को कम कर सकते हैं। अब ये सेकेंडरी स्टेज जो है ये पूरा का पूरा सेमेस्टर पैटर्न पर रहेगा। सेमेस्टर पैटर्न में 6-6 महीने के सेमेस्टर रहेंगे और उसके हिसाब से आप आगे की तालीम हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मल्टीपल सब्जेक्ट जो है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? फर्ज कीजिए कि महात्मा गांधी ने नमक का सत्याग्रह किया था तो वहां पर जो स्टूडेंट है उसको एक सोचने की आजादी है कि नमक का सत्याग्रह करने के बजाय उन्होंने हथियार उठाकर मुकाबला करने का तरीका भी इख्तियार करना चाहिए था। जैसे कि भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम बरसाए थे तो उनके जहन में यह भी आ सकता है कि भगत सिंह ने महात्मा गांधी का तरीका इख्तियार करना था। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक पहलू है। अब इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, जैसा कि हमारे पहले मुखर्रर ने फरमाया कि इसमें अरबी को शामिल नहीं किया गया। देखिए ये पूरा का पूरा जो काम है ये ऐसी लैंग्वेजेस को शामिल करना है क्योंकि जो हुकूमत की पॉलिसियां और उसमें बैठे हुए अफराद की जो सोच है वो सोच एक महदूद सोच की तरफ लेकर जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि तकरीबन कई सौ सालों तक के यूरोप की यूनिवर्सिटियों में अरबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, हालांकि वो लोगों की जबान भी नहीं थी। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात तो जरूर की गई है लेकिन एक ऐसी जबान जिसके दुनिया में बोलने समझने वालों की तादाद करीबन 150 करोड़ के करीब है, उन लोगों को इसमें से नज़रअंदाज कर दिया गया। अगला जो हिस्सा आता है वो हिस्सा है ग्रेजुएशन लेवल का। जब 12वीं पास हो जाते हैं तो उसके बाद में ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल का हुआ करता था वो 3 साल का नहीं रहेगा, 4 साल का हो जाएगा।
इसमें एक बहुत ही अच्छी का अच्छा काम किया गया है और हुकूमत ने इसमें अगर कोई स्टूडेंट एक साल पढ़ के ग्रेजुएशन छोड़ देता है या दो साल पढ़ के छोड़ता है तो उसको भी सनद मिलेगी। इसमें पहला साल जो रहेगा सर्टिफाइड ग्रेजुएट के नाम पर आएगा, यानी अगर आपने इसमें बीए बीएससी बीकॉम का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया, आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लीजिए और ग्रेजुएशन कीजिए। आप अपने साइंस का सब्जेक्ट लीजिए, आप साइंस में जो भी ग्रेजुएशन करेंगे, पहला साल हो गया आप साइंस ग्रेजुएट हो गए, साइंस में सर्टिफाइड ग्रेजुएट हो गए, आप पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा साल करेंगे तो दूसरे साल में आपको डिप्लोमा ग्रेजुएट कहा जाएगा, आपके दो साल मुकम्मल हो गए, आपको दो साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको तीन साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तीसरा साल आपने मुकम्मल किया तो आप डिग्री ग्रेजुएट हो गए, आपको तीन साल की सनद मिल गई, और चौथा साल मुकम्मल किया तो आप रिसर्च ग्रेजुएट हो गए। तो इस तरीके से इसको चार साल का ग्रेजुएशन किया गया है। अगला हिस्सा जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन का। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें एक तब्दीली की गई है, इसमें ऑप्शनल रखा गया है कि आप एक साल का करें या दो साल का करें। अगर आप एक साल का ग्रेजुएशन करेंगे उसके लिए आपको चार साल का ग्रेजुएशन रिसर्च ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर फर्ज कीजिए कि आपने तीन साल ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ दिया तो उसके बाद में आपको दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जिसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। यहाँ पर भी कंसेप्ट ऑफ एमए एमएससी एमकॉम वगैरह निकाल दिया गया है, आप ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए। इसके अलावा एमफिल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और पीएचडी के कोर्स की मुद्दत जो है वो चार साल कर दी गई है। ये तो हो गया हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का खाका। अब देखेंगे हम इसमें मॉडर्न करियर्स जो है वो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न करियर्स का कंसेप्ट क्या है। याद रखिए कि जदीद तालीम और जदीद पेशे दोनों एक दूसरे से मुंसलिक है। अब जदीद तालीम के बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे जो है वो ज्यादा है, नुकसान कम है अगर आप हासिल करना चाहें। हमारे ऊपर होता है कि हम क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज हमारे जहन का हमारी जिंदगी का हिस्सा ना बने तो हमें अपनी और अपने औलाद की, अपने साथ वालों की, सबकी हिफाजत करना पड़ेगा। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार रहेंगे। कोई आपको हुकूमत की तरफ से कारिंदा अगर ये नहीं बताएगा कि ये आपके लिए अच्छा है ये बुरा है। आप अपने स्टूडेंट के लिए भी जिम्मेदार है, अपने बच्चों के लिए भी जिम्मेदार है और अपनी कम्युनिटी के लिए भी जिम्मेदार है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। अब जदीद जो तालीमी चीज तरीके आ गए हैं, अभी देखिए पहले एक ट्रेडिशनल तरीका, रिवायती तरीका चला आ रहा था कई सालों से भारत में, जो रिवायती तरीके में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तरीका था। यूनिवर्सिटियों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गए, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन की तालीम दस्तियाब है, ऑफलाइन की तालीम दस्तियाब है, स्किल बेस्ड तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहे हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप मोबाइल ऐप्स के जरिए तालीम हासिल कीजिए, टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। इसमें जदीद तरीके में एक नई चीज़ है, परसेंटेज के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम भी लाया गया है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो उस तनाजुर को पाटने की कोशिश कर रही है, उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रही है जिसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम हो जाती है। अब जदीद तालीम जो है ये महारत बेस्ड तालीम है। इसमें चाहिए आप साइंस में महारत हासिल कीजिए, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कीजिए, या फिर आप जिस किसी शोबे में हैं उसमें महारत हासिल कीजिए। अब जदीद जो जदीद तालीमी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किसी भी बच्चे को पेश नज़र रखकर ज़रूर तैयार की गई है। इसमें एक अच्छे शहरी बनाने का जो उन्होंने यहाँ पर सोच देने की कोशिश की है, उसके साथ साथ फन तालीम, जिस्मानी तालीम, समाजी मसावत, तबकाती रोजानात, क्रिटिकल थिंकिंग,
इन तमाम चीजों पर जोर दिया गया है। अब जदीद तालीम सिर्फ इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं रह गई, जैसे कि पहले NIT IIT से इंजीनियरिंग किया या फिर IIM या दीगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने MBA या BBA कर लिया, मेडिकल कॉलेजेस से आपने BHMS BUMS या फिर BAMS किया, BDS किया, फार्मेसी कॉलेजेस से आपने D-Pharm B-Pharm M-Pharm फार्माडी वगैरह किया, तो ये ट्रेडिशनल कोर्सेज को अब एमडेड कर दिया गया है, ये जुड़ जा रही है टेक्नोलॉजी से। इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल है तो उसके साथ में आपके लिए कंप्यूटर लाजमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप है तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ कंप्यूटर लाजमी है, अगर आप CS कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब चीजें भी आना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारी चीजें कंप्यूटर साइंस के साथ जोड़कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जोड़कर दी गई है, ये इस तालीमी पॉलिसी का एक नुमाया पहलू नजर आता है। अब जैसे जैसे तालीम के अंदर तब्दीली आती जाएगी वैसे वैसे इसमें नई नई चीजें जुड़ती जाएगी। आज का दौर नई टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी नई नई साथ में इसके शामिल हो रही है। अब आजकल का जमाना जो है ये मल्टीटास्किंग का है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टीटास्किंग को बेहतर करने की कोशिश की है। अब इसका अगला जो पहलू है मॉडर्न करियर्स ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब भारत जो है एक तरक्की पसंद तहरीक के साथ में आगे बढ़ने वाला मुल्क है जिसने लिबरलाइजेशन को 1990 में 1991 में कबूल किया था, तो आलमकारी की वजह से कई सारे जदीद पेशे भी भारत के तनाजुर में सामने आए हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, कंप्यूटर एंड IT प्रोफेशनल्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वगैरह। इन तमाम चीजों में शमूलियत हासिल करना हमारे पास के खसूसी तौर पर हमारे माशरे के, हमारे मिल्लत के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें इस तनाजुर में कुछ की पॉइंट्स जो है, जो कमज़ोर तबकात और उनसे मुतालिक चीज़ें हैं उसके बारे में मैं रोशनास कराना चाहूँगा, जो मैंने इससे पहले जिक्र किया था, जैसे कि जमात शशुम से, छठी जमात से बच्चों को वोकेशनल तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब वोकेशनल तालीम में जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया कि भाई किसी बच्चे के वालिद कोई मोची का काम करते हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ पर उसी काम की तरफ और आगे बढ़ता चला जाए, तो यहाँ पर बतौर कौम व मिल्लत हमको अपने बच्चों की तालीम और उसके रोजाना पर खसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरी है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल और रिवायती जो तरीक़े हैं, पेशे हैं, वो कमज़ोर तबकात को ऐसा ना हो कि वो किसी खाई की तरफ ले जाए, अखिलती तबकात को भी किसी ऐसे चीज़ की तरफ ले जाए, जैसे कि अगर आप ड्राइवर हैं, आप कार चलाना जानते हैं, दूसरा कोई काम आप नहीं जानते, आपकी नौकरी जारी है लेकिन अचानक ऑटोमेटेड कोई गाड़ी आ गई है, कार आ गई है जो सेंसर पर चलती है और ऑटोमेटिक है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, जो शख्स है ओनर है वो आया, गाड़ी पे कमांड स्टार्ट किया रिमोट से और गाड़ी चलने लगी, ना ट्रैफिक का कोई देखरेख की जरूरत है और ना ट्रैवल डिस्टेंस का, वो खुद ही पार्किंग कर लेती है, उसकी नौकरी तो चली गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नौकरियों के मामला ऐसे सामने आ रहे हैं जो हमने इससे पहले भी देखे हैं। इसमें करियर के जो ऑप्शंस है, यानी पेशों में जो समाजी आज़ादी पहले हुआ करती थी, जैसे कि फर्ज कीजिए कि कोई शख्स किसी गरीब तबके से है, कोई किसान का बच्चा है, कोई मोची का है, कोई किसी कुम्हार का है, अगर वो उसी पेशे को अपनाएगा तो वो समाजी बंधनों में फिर से बनता चला जाएगा जो वर्ण व्यवस्था की तरफ लेकर जाता है, और वो उसको आज़ादी शायद ना मिल पाए जो इससे पहले सबको मयसर थी। तो हमें इस बात की तरफ भी कोशिश करना है कि ऐसे पेशे जिससे शख्सी आज़ादी किसी गुलामी में तब्दील हो जाती है उसमें हमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है, और
हमें कोशिश ये करना है कि नेशनल फ्रेमवर्क में जितना बेहतर तरीके से हम कोशिश कर सके, काम कर सके, उसमें हम बेहतरी लाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल जो रिवायती पेशे और महारतें हैं, इसमें छठी जमात से जो तमाम पेशे शुरू किए गए हैं, ये इस तनाजर में कोर्स चुनने की आपको आजादी जरूर देते हैं, लेकिन जब तक कि आपको पता रहेगा कि भाई आपके टीचर ने किसी बच्चे को किसी शोबे में नहीं डाल दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज तो ऐसा मामला है कि कई सारे असातेजा खुद ही अपने तौर पर बच्चों के करियर के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, टेक्निकल और वोकेशनल स्किल के बारे में फैसला ले लेते हैं। पेरेंट्स घर से स्कूल आने की जो जहमत भी गवारा नहीं करते, तो ऐसे हालात में खुसूसन रूरल एरियाज में रहने वाले बच्चे, इनके लिए एक बहुत ही खतरनाक इकदाम हो सकता है। अब ये जो नेशनल कौमी पॉलिसी है, तालीमी पॉलिसी है, ये एक दो धारी तलवार के जैसा काम करती है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से अपनाएंगे, आप खुले जहन से इसे कबूल करने के साथ साथ बहुत चाखो चौबंद रहेंगे, तो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से करियर की तरफ लेकर जा सकती है। लेकिन अगर आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन को अगर सही तरीके से नहीं अपनाया, तो हो सकता है कि ये जो पुराना कास्ट सिस्टम हुआ करता था, जिसमें मोची का बेटा जो है मोची ही बनता था, या फिर कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बनता था, लोहार का बच्चा लोहार बनता था, तो हो सकता है कि किसी बावर्ची का बच्चा बावर्ची ही बन जाए और हमारे खुसूसन अखिलियती तबकात के जो लोग हैं, जो बुनकर का काम करते थे या दीगर कामों में उनकी महारत थी, वो उसी चीज में फंस कर रह जाए। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ये हो सकता है कि उस ओल्ड एज सिविलाइजेशन जो भारत की कदीम तरीके की रिवायतें हैं, उस रिवायती तरीकों में इसे जकड़ ले। इसके अलावा ये रिवायती पेशों के ऐन मुताबिक समाज की तकसीम भी कर सकता है, जैसा कि आज भी कई सारे इलाकों में कई सारे कमजोर तबकात को उन चीजों में शामिल नहीं होने दिया जाता जो सबके लिए आम होते हैं, वो खुसूसी तौर पर किसी खास तबके के लिए, कास्ट के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं। अब अपने खुसूसी नजरियात की तश्कील इस हुकूमत का एजेंडा रहा है हमेशा से, तो हो सकता है कि अगर हम सही तरीके से चाखो चौबंद ना रहे, तो जो पॉलिसी यहां पर लागू की गई है, ये पॉलिसी उन मकासिद उन अजायम की तकमील में इनकी मददगार भी साबित हो जाए, तो इसके लिए असातेजा तमाम मुफक्किरीन और तमाम सरपरस्त हजरात को बेहतर तरीके से कोशिश करना जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरे इन छोटे से अल्फाज समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हमारे दीगर मुखरिरीन आगे की बातें आपके सामने पेश करेंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत ही सहल अंदाज में हमारे दोनों फाजिल मुखर्रिरीन ने आपके सामने